हे देयर सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये आपकी फर्दर क्या एनर्जीज रहेंगी इस मंथ में आपकी उसके हवाले से होगी। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग मैं एक नए डेक से कर रही हूँ। लेट्स सी कि नए डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। और ये डेक है विच टैरोट, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मैं जब ये डेक फर्स्ट टाइम देखा था तो ये मुझे अच्छा लगा था, दैट्स वाई मैंने ये बाय किया है। सो इसमें जो इमेजरीज हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। सो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए सजिटेरियस। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर सजिटेरियस? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अनदर कार्ड, टू कार्ड्स हियर, द एम्परर एंड टू ऑफ वांड्स। वन मोर कार्ड हियर, थ्री ऑफ वांड्स, ओके। अंडरनीथ में आपके पास है एट ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, वाओ, टू ऑफ कप्स, ओके, लेट थ्री ऑफ कप, एस ऑफ, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, थ्री टू वन एंड टेन, एट ऑफ कप्स। लॉट ऑफ गुड कार्ड्स यू आर हैविंग सजिटेरियस। सो आपके पास बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं सजिटेरियस। और रीयूनियन है, पैचअप है, सोलमेट कनेक्शन है, और न्यू पैशनेट बिगनिंग है। ये नया पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके फ्रेंड्स में से हो सकता है, और उसके साथ आपका पैशनेट, लाइक पैशनेट नहीं, इमोशनल बिगनिंग हो सकती है उस पर्सन के साथ, जो कि आपके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट बन सकती है। जो नया पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में आएगा, इस टाइम फ्रेम में जो नया पर्सन एंटर होगा आपकी लाइफ में, वो पर्सन आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट का बाइस बनेगा, और चीज़ें क्विकली होंगी उस पर्सन के साथ आपकी। और अगर ये कोई पास पर्सन से रीयूनाइटिंग की सिचुएशन है तो भी ये इस टाइम फ्रेम में जो आप उस पर्सन के साथ इमोशनल न्यू बिगनिंग होगी आपकी, वो आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, और आपकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है उस पर्सन के साथ, चीज़ें क्विकली मूव ऑन हो सकती हैं इमोशनली अगर देखा जाए तो। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सो डेफिनेटली वो एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ, लेकिन स्लो कमिंग है। लाइक प्रैक्टिकली तौर पर जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो प्रैक्टिकली तौर पर वो नहीं, अभी प्रैक्टिकली तौर पर आपको स्लो नज़र आ रही हैं चीज़ें, लेकिन जो हेवंस में आपका जो फैसला है वो ये है कि जो नया पर्सन और जो पास्ट पर्सन अगर वापस आ रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट लेके आएगा, और वो हो सकता है पहले जैसी उनकी जो एनर्जीज और फीलिंग्स थी वो नहीं होंगी। अगर वो पर्सन, वो पर्सन एक एम्परर की तरह होगा, लाइक जो एम्परर होता है वो खुद अपने लाइक अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपने फैसले खुद कर रहा होता है जो उसे करने होते हैं। वो इर्द गिर्द के लोगों से मशवरे ज़रूर लेगा, लेकिन जो उसका अपना फैसला होगा, जो उसे बेहतर लगेगा वो करेगा। लाइक एम्परर वो होता है जो दूसरों को ले कर चलता है। तो वो उस पर्सन की जो ट्रेट्स हैं वो एम्परर हैं। और अगर यहाँ पर ये आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप जो हैं इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, और अगर आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं और इस स्टेबिलिटी के रास्ते में अगर आपकी ईगो आ रही है, तो इस ईगो की वजह से आप इनडिसाइसिव भी हैं इस टाइम। बट जो आपने चाहा था वो आपके करीब करीब है, जो आपने चाहा था इस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ के लिए, जो आपने चाहा था वो आपके करीब करीब है। आप इनडिसाइसिव सिर्फ इसीलिए हैं कि वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आ रहा है, बट वो पर्सन हो सकता है, अगर ये पास पर्सन है तो वो पर्सन अभी भी एम्परर की एनर्जी में है, लाइक कंट्रोलिंग एनर्जी है उस पर्सन की, इसकी वजह से आप
इगोइस्टिक, आपको लगता है वो पर्सन अभी भी इगोइस्टिक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा इंडिसाइसिव हैं। बट अगर वो पर्सन वापस आता है आपकी लाइफ में, तो आप जो चाहते थे वो उस तरह का बन के आएगा। सो लेट्स सी, दैट्स वाई अगर ये नया रिलेशनशिप है भी तो आपको लगता है कि वो पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक है, वो पर्सन थोड़ा डोमिनेटिंग है, इस वजह से आप थोड़े इंडिसाइसिव हो सकते हैं। बट या फिर वो पर्सन, जिस जो भी पर्सन है, नया पर्सन है जो आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट बन सकता है, तो वो पर्सन आपको लगता है कि आप एकदम से ही कोई फैसला नहीं कर सकते उस पर्सन के लिए, आपको टाइम चाहिए। तो आप अपना टाइम ले रहे हैं, लेकिन जो आपने विश की थी, जैसे पर्सन की आपने विश की थी, वो पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है, जो कि अपने फैसले खुद करने का उसके अंदर एबिलिटी होगी, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपनी लाइफ को के फैसले खुद करना जानता होगा, लाइक मैच्योर पर्सन होगा, और आपको भी एक स्टेबिलिटी देगा। नाइन ऑफ कप आए हैं और चैरियट आया है आपके लिए सैजिटेरियस शफलिंग के दौरान। सो यहाँ पर और यहाँ पर अंडरनीथ में आपके पास जो है वो नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली वो पर्सन बिल्कुल आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी विश जो है वो फुलफ़िल हो रही है, आपकी इमोशनल विश ज़्यादा फुलफ़िल मुझे यहाँ पर नज़र आती हुई होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि टू ऑफ कप, एस ऑफ कप, टेन ऑफ कप, सो ये इमोशनल फुलफिलमेंट, सोलमेट, न्यू इमोशनल बिगिनिंग और कम्युनिकेशन भी साथ साथ हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी। इस सिचुएशन का कंक्लूजन यही होगा, जो वो पर्सन जो भी है, आप उस हवाले से इनडिसाइसिव हुए हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर थोड़ा डोमिनेटिंग साइड भी हो सकती है अगर वो नया पर्सन है, अगर वो पुराना पर्सन है भी, तो उसकी पर्सनैलिटी की जो डोमिनेंट होने की एनर्जी थी वो अब थोड़ी बेहतर हो सकती है, अगर और पहले अगर वो पहले अपने फैसले मेच्योरली नहीं कर पाते थे, अब वो अपने फैसले मेच्योरली कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन होगी जिससे आप थोड़े इंडिसाइसिव हो जाएंगे उस पर्सन के हवाले से, लेकिन आपको, आप जो चाह रहे थे वो वैसा होगा, जो चीज़ें आप जैसे आप चाह रहे थे वैसी होंगी, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है और कंट्रोल अब आपके हाथ में है। ये एम्परर आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि ये जो ऑफ़र आपके पास आएगी, इस बार जो पर्सन वापस आएगा उस पर, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके आप एक एम्परर की एनर्जी में आ सकते हैं, अपने फैसले, आपकी लाइफ का चार्ज आपके हाथ में हो और आप जो चाहें वो कर सकें इस रिलेशनशिप में रहते हुए, वो पर्सन इतना डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन है जो कि वापस आ रहा है सारे बॉन्डेज तोड़ के, और सजिटेरियस, होप कि ये आपसे रेजोनेट करे, ये आपकी आगे की एनर्जीज हैं, तो कुछ दिन बाद भी हो सकती हैं, किसी के लिए हो भी चुकी हूँ, सो लेट्स सी कि क्या किस तरीके से ये पैन आउट होती है आपके लिए। लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक मी वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।